हमेशा के लिए खंडर बनने वाला है नैनीताल। नैनीताल को अब कोई नहीं बचा सकता, ये तो होना ही था। नैनीताल दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, ऐसे ही नैनीताल का परिचय कुछ दशक पहले तक दिया जाता था, लेकिन अब नैनीताल का परिचय देते हुए कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके नैनीताल को एक बार देख लो, क्योंकि पता नहीं कब ये शहर खत्म हो जाएगा, कब नैनीताल बर्बाद हो जाएगा, कब नैनीताल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जितना बड़ा खतरा नैनीताल पर आज है, उतना उत्तराखंड के किसी दूसरे शहर पर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं चमन मिश्रा और आप देख रहे हैं वो कल भारत उत्तराखंड। नैनीताल पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। भार उठाने की हर किसी की एक क्षमता होती है। हो सकता है कि आप 50 किलो भार आराम से उठा सकते हैं, लेकिन 70 किलो के भार में आपके कंधे झुक जाएं, और 100 किलो का भार अगर आपके ऊपर रख दिया जाए तो आप उस भार के नीचे दब जाएं। ऐसा ही शहरों के साथ भी होता है, विशेष तौर पर पहाड़ी शहरों के साथ। पहाड़ पर बसे हुए शहर एक क्षमता तक ही बोझ सहन कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर इंसान पहाड़ी शहरों पर बोझ बढ़ाता जाएगा तो पहाड़ ढह जाएंगे, और पहाड़ के ढहने का अर्थ है शहर का ढह जाना, क्योंकि पूरा शहर पहाड़ पर ही बसा होता है। ऐसा ही नैनीताल के साथ हो रहा है। नैनीताल को आप सभी जानते हैं, नैनीताल ऐसा शहर जिसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी, आज अपनी किस्मत पर रंज कर रहा है। नैनीताल ऐसा शहर जिसमें अंग्रेजों ने आबादी नहीं बढ़ने दी, आज वहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। नैनीताल जहां कभी जंगल ही जंगल दिखते थे, आज कंक्रीट के जंगलों के सिवाय वहां कुछ नहीं दिखता। नैनीताल जहां जाते ही फेफड़ों को आराम मिलता था, आज गाड़ियों के धुएं से फेफड़े भी फड़फड़ाने लगते हैं। नैनीताल जहां की खाली सड़कें लुभाती थी, जहां की शांति आकर्षित करती थी, आज हर तरफ फैली गाड़ियां ही गाड़ियां दिल्ली की याद दिलाती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि नैनीताल दरक रहा है। नैनीताल की पहाड़ियां दरक रही हैं, थस रही हैं, गिर रही हैं, और इनसे गिरने वाला चूना पत्थर झीलों में जा रहा है। भूगर्भी वैज्ञानिक कई बार कह चुके हैं कि अगर ये सब नहीं रुका तो नैनीताल को बचाना संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ भी तो नहीं रुका। आप सभी ने देखा कि कैसे इस बार की बरसात में भी नैनीताल में भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की घटनाओं के सही आंकड़े अब तक सार्वजनिक भी नहीं हुए हैं, और छोटे मोटे भूस्खलन छोड़ भी दें, लेकिन चाइना पीक पर जो भूस्खलन लगातार हो रहा है उस पर तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर चाइना पीक का भूस्खलन तेज हुआ तो खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। 18 सितंबर 1880 का वो दिन मत भूलिए जब सिर्फ 10,000 आबादी होने के बाद भी नैनीताल की अल्मा पहाड़ी, जिसे 7 नंबर भी कहते हैं, वहां भयानक भूस्खलन हुआ था। उस भूस्खलन में 43 ब्रिटिश नागरिकों समेत 151 लोगों की मौत हुई थी। और ऐसा नहीं है कि अल्मा हिल पर इसके बाद कोई भूस्खलन नहीं हुआ। 24 जुलाई 2022 को दोबारा से अल्मा हिल पर भूस्खलन हुआ, और इस बार भूस्खलन की चपेट में कई मकान आए, 50 मीटर के दायरे में पहाड़ दरक गया। अब आप कहेंगे कि भूस्खलन ही तो हो रहा है, भूस्खलन तो पहाड़ों में होता ही रहता है, इसमें बहुत बड़ी समस्या क्या है जो नैनीताल के खत्म होने की बात तक कर रहे हो। अब आप आगे वीडियो देखिए, तब समझेंगे कि क्यों मैं नैनीताल के खत्म होने की बात कर रहा हूं और क्यों मैं कहता हूं कि नैनीताल को अभी बचाना होगा। नैनीताल शहर का आधार है बलिया नाला, और इस बलिया नाला में पिछले कई वर्षों में भूस्खलन होता रहा है। कई घर बलिया नाला में समा गए हैं, लेकिन भूस्खलन जारी है। ऐसे में किसी भी वक्त ये पूरा इलाका बलिया नाला में समा जाए तो चौंकिए मत। इसके साथ ही अयार पाटा हिल पहाड़ी पर भी बीच बीच में भूस्खलन होता रहता है, और शेर का डंडा पहाड़ी पर भी भूस्खलन होता है, और इस भूस्खलन से टूटने वाले पत्थर और बोल्डर सीधे नैनी झील में गिरते हैं। नैनी झील तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। ऊपर मल्लीताल की तरफ नैना पीक पहाड़ी, एक तरफ अयार पाटा पहाड़ी, दूसरी तरफ शेर का डांडा पहाड़ी, और नीचे तल्लीताल की तरफ बलिया नाला। अब समझिए, जब तीनों तरफ से भूस्खलन होगा और भूस्खलन के पत्थर और बोल्डर झील में गिरेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि नैनी झील का पानी शहर में घुसेगा और शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है, भार बढ़ने के कारण। आज नैनीताल की जनसंख्या करीब करीब 10 लाख है।
अब आप समझिए, नैनीताल बोझ उठा सकता था 10,000 लोगों का और उसके ऊपर 10,00,000 लोगों का बोझ डाल दिया गया है, तो क्या होगा? वही होगा जो आपका होगा अगर आपके ऊपर 500 किलो का वजन रख दिया जाए। दब जाएंगे, कुचल जाएंगे, मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही नैनीताल दब रहा है, कुचला जा रहा है, मर रहा है। कभी मत भूलिए कि आबादी बढ़ने के साथ साथ सिर्फ कंक्रीट के जंगल ही नहीं बढ़ते हैं, बल्कि हर तरह का पॉल्यूशन बढ़ता है, हर तरह का नुकसान जंगलों को, पहाड़ों को होता है। एक बात और ध्यान रखिए, जो भी कहे कि नैनीताल टूरिस्ट हब है उसे करेक्ट कीजिए, क्योंकि नैनीताल अब टूरिस्ट हब नहीं है, कमर्शियल हब है। नैनीताल में होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे की बाढ़ आ गई है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी तरफ से कुछ न कुछ करती रहती है, वाहनों को ग्रीन एरिया से बाहर पार्क करवाती है। अब यहाँ भी समस्या ये है कि वाहन बहुत बड़ी संख्या में नैनीताल आते हैं, ऐसे में वाहनों को खड़े करने के लिए भी जगह चाहिए, और जगह मतलब पार्किंग बनानी पड़ेगी। तो नैनीताल में कई जगह पार्किंग बनाई गई है। कई लोग नैनीताल को मजाक मजाक में झीलों का शहर नहीं, पार्किंग का शहर कहते हैं। इसके साथ ही सरकार ने करीब 80 किलोमीटर लंबे नाले बनवाए थे, जिससे कि नैनीताल के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए और बारिश के पानी को नालों के जरिए बाहर निकाला जा सके। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उन नालों के ऊपर भी लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया, घर बना लिए। तो यह है नैनीताल की स्थिति। नैनीताल को बचाने का सिर्फ एक उपाय है, निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। और ऐसा नहीं है कि बस नियम बना दिए जाएं, क्योंकि नियम तो कई बार बने हैं, लेकिन अवैध निर्माण होता ही रहता है। नैनीताल पर जहां खत्म होने का संकट मंडरा रहा है, वहीं क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है? कैसे देहरादून बर्बाद हुआ है और कैसे देहरादून बर्बाद हो रहा है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दिया है। अगर आप उत्तराखंड के हैं, अगर आप देहरादून के हैं और अगर आप पहाड़ की समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। नैनीताल को लेकर आपका क्या कहना है? जो लोग नैनीताल के हैं वो अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।